महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के सामने कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रदेश कार्यालय से लेकर गांधी पार्क तक विरोध प्रदर्शन किया। मोटर वाहन को रस्सी से खींचकर विरोध जताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के साथ गैस की भी कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। देखिए, इस सरकार ने हर आम व्यक्ति का, निम्न मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग का पूरा घरेलू बजट बिगाड़ करके रख दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये को कई कई जगहों पार कर गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम कई जगहों 100 रुपये को पार कर गए हैं, 100 रुपया लीटर को पार कर गए हैं। और गैस के दामों में निरंतर वृद्धि हो रही है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं भाजपा की सरकार गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपया न बढ़ा दे। और जो खाने का तेल है वो 145 से लेकर के 155 रुपया लीटर तक पहुंचा दिया है। कोई चीज़ आज सस्ती नहीं है। हर घर में महिला कह रही है कि भाजपा तेरा कैसा खेल, खा गए राशन पी गए तेल। ये जो गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसके विरोध में आज हमने एक प्रदर्शन किया, जिसमें हम लोगों ने ऑटो को अपने कंधों से खींच करके प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया है, ताकि इस सरकार को महसूस हो सके कि अब ऑटो से लेकर के बसों के किराए, ट्रकों के किराए लोगों के लिए असहनीय हो गए हैं। और यहाँ पर गैस के सिलेंडर को, इस सिलेंडर को अपने सर और कंधे में रख करके मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि गृहिणियों के ऊपर जो महंगाई का बोझ असहनीय हो गया है, गैस के दाम 3 महीने पुराने दामों के स्तर पर लाओ, नहीं तो ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। और इसकी वानगी स्वरूप मैं फूलगढ़ में और लक्सर के चौक पर इस गैस के सिलेंडर को अपने कंधे में रख करके ग्रामीण क्षेत्रों तक इस विरोध को लेकर के जाऊंगा।